Shab is a very sensitive film, mostly dealing with relationships. बहुत ही जिस तरीके के देखिए relationships होते हैं वो कभी साधारण नहीं होते, simple नहीं होते. They always very you know complex, complicated होते हैं. चाहे वो किसी के साथ भी हो, आपके friends हों, spouses हों या family हो. तो ये film एक ensemble cast के साथ बनाई गई है. And ज़्यादातर it talks about everyone's relationships and how सब एक दूसरे से connected हैं. So it's a very beautifully sensitive film. And मैं समझती हूँ कि जब लोग जाके देखेंगे तो हर किसी character के साथ कोई ना कोई तो ज़रूर identify करेगा कि हाँ यार ये तो मेरी life के साथ भी होता है. तो it generally talks about that. मैं फिल्म के बारे में कहना चाहूँगा कि जब मैंने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी तो पहले तो मैंने बहुत कनेक्ट किया, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों की लाइफ ऐसी देखी है जो इस तरह से चलती है और छोटे शहर से आते हैं बड़े शहर में अपने सपने पूरे करने के लिए, कैसे वो अपने मतलब जो उनकी खुद की सच्चाई है उसको वो भूल के कुछ अलग ट्राई कर मतलब कुछ अलग बनने की कोशिश करते हैं. तो लाइफ में हर एक की लाइफ में कभी सही गलत कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जब आप फिल्म देखोगे आपको समझ में आएगा कि आप कितना कनेक्ट करते हो उस फिल्म से. देखो एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं मतलब जब मुझे बोला कि रवीना इस फिल्म में है तो मैं पहले तो बहुत डर गया था कि मैं पहला रिएक्शन तो मेरा ये था कि हम ना हमेशा सुनते थे बचपन से कि जब हम सुनते थे गोविंदा बहुत बहुत बढ़िया डांसर है और उसके डांस के स्टेप को मैच कर सकती है तो रवीना मैम मैच कर सकती है. तो अच्छा हुआ उसमें डांस नहीं था तो पता नहीं मैं तो फिर लेकिन मैं बड़ा ही एक्साइटेड था और मेरे तो वहाँ पे मेरे पापा ने जब ये पता लगा रवीना मैम कर रही है तो हमारी गली में लड्डू बांटे थे सबको, क्योंकि हमें पता है घर वाले बड़ा खुश हो जाते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं. तो पापा का बड़ा सपना, पापा कह भी रहे थे कि अभी मुंबई में प्रीमियर होगा तो रवीना मैम आएंगी, मैं फ़ोटो खिंचवा सकता हूँ. मेरे मॉम डैड को मैंने बुलाया है अभी प्रीमियर पर, बहुत खुश थे घर वाले, बहुत खुश थे. एक लड़का है जो छोटे गांव से आता है एक बड़े शहर में अपने सपनों को पूरा करने के लिए, एक मॉडल बनने के लिए. फिर वो जो एक होता है ना अंदर से एक मतलब आगे पहुंचने की एक जो अपने आप से लड़ाई होती है कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, तो वो कैसे इंसान अपने आप को वो चेंज करना नहीं चाहता लेकिन कभी सोचता है शायद कर देता हूँ क्या फ़र्क पड़ता है. फिर वो समझ में आता है क्या गलत है क्या सही है. तो जो फाइट होती है अपने आप से स्ट्रगल के बीच में उसकी कहानी है. और वैसे सारे किरदार वैसे ही हैं कि हर एक किरदार की अपने आप से एक फ़ाइट है.